हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये क्लॉथ स्टोरेज बैग बनाएंगे बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। आप इसमें अपने ढेर सारी साड़ियों को स्टोर करके रख सकती हैं, या फिर सर्दियों के कपड़े को रख सकती हैं, या फिर ब्लैंकेट को रख सकती हैं। यहाँ से ये 20 इंच बाई 14 इंच का इसका साइज है और इसकी ऊँचाई 10 इंच की है। ये काफ़ी बड़े साइज का स्टोरेज बैग बन के तैयार हो गया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आप कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं, या फिर नाइटी हो गई, या फिर कुर्ती हो गई, या फिर पुरानी बेडशीट हो गई। और इसमें लाइनिंग लगाने के लिए ये मैंने चावल गेहूं की बोरी ली है। आप इसमें बेडशीट या फिर कुर्ती या फिर नाइटी किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसकी नाइटी का बना रही हूँ। ये नाइटी पुरानी हो गई है और यहाँ से इसकी कलर थोड़ा ख़राब हो गई है, तो इसका हम यूज करेंगे। पहले से नीचे से कट करके इसके सिलाई को हटा देंगे और साइड से स्लिप को भी कट करके हटा लेंगे, और इसमें आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने 2 पीस कट कर लिया है, और एक चौड़ा पीस है और एक लंबा पीस है। तो इसकी मेजरमेंट है 40 इंच बाई 20 इंच का एक पीस कट कर लिया है मैंने, और दूसरा पीस कट किया है ये लंबा वाला पीस। तो ये इसमें थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली है, सिलाई लगा के इसे लंबा कर लिया है। तो ये 47.5 इंच और बाई 10 इंच का ये पीस कट कर लिया है मैंने। और इसी के सेम साइज का ये जो हमने चावल गेहूँ की बोरी लिया है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी सिलाई साइड से खोल ली है ताकि अच्छी तरह से ये निकल जाए। तो अगर प्लास्टिक की बोरी अगर आपकी छोटी पड़ रही है तो उसमें हम जोड़ लगा लेंगे। तो पहले हम इसमें सेम मेजरमेंट का इसे कट कर लेंगे, उसके बाद इसमें देखिए छोटा पड़ रहा था तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली। सेम उसी तरह से दूसरे पीस में मैंने सिलाई लगा ली है। और हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर से सेट कर लेंगे और इसके चारों तरफ से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद से सिलाई करेंगे। पिन लगाने से क्या होता है कि इसी तरह से सेट होता है और इधर उधर घसकता नहीं, इसके चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से हम दूसरे पीस को भी रेडी कर लेंगे, इसके ऊपर से चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। और इसमें ये देखिए जो सिलाई लग गई है, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर दिया है। उसी तरह से ये हमारा दूसरा पीस भी बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसमें हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक कट की है, ये 24 इंच बाई 3 इंच का ये 2 पीस मैंने कट कर लिया है। और इसी तरह से ये 1 इंच की ये स्ट्रैप कट कर ली है प्लास्टिक बोरी की, और इसको बीच में इस तरह से सेट करेंगे और इसके दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा हैंडल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम हैंडल अटैच करेंगे। तो ये हमने चौड़ा वाला पीस लिया है, और इसमें यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें एक सेंटर मार्क कर लेंगे, सेंटर पर निशान लगा लेंगे, और सेंटर पे ही इंची टेप को रखेंगे और दोनों साइड 3 इंच 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस तरह से नीचे की तरफ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, इसी तरह से दूसरे साइड भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमें हैंडल को अटैच करना है, तो सबसे पहले हम पिन लगा के सेट कर लेंगे, दोनों साइड से पिन लगा लेंगे, और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर से हम पिन लगा के सेट कर लेंगे, उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से हम दूसरे साइड भी हैंडल को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा हैंडल अटैच हो गया है दोनों साइड से। अब हम इस पीस को साइड रख देते हैं और दूसरे वाले पीस को लेते हैं, लंबे वाले पीस को। तो ये मैंने जिप लिया है, ये 48 इंच का है, और इसमें मैंने 2 रनर लगाया है, और इसमें हम जिप को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें जिप को उल्टा करना है, उल्टे करके रखते हुए इसके किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। ये देखिए सिलाई लग गई है। और अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ को करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर से फ्री स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्री स्टिच लग गई है, सिलाई लग के तैयार हो गई है। ये देखिए फैब्रिक अंदर की तरफ को सिल गया है। और अब हम यहाँ से इसका सेंटर मार्क लगाएंगे, उसी तरह से दूसरे साइड भी सेंटर पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से सेंटर पर निशान लग गया है। और अब हम दूसरा वाला पीस लेंगे और यहाँ से इसे पकड़ते हुए इसके भी सेंटर पर निशान लगा लेंगे, दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर पर निशान लग गया है। और इस सेंटर से इस सेंटर को देखिए, हम यहाँ से इसमें जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है और इसके सेंटर को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हम इसमें पिन लगा लेंगे,
पिन लगा के अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से दूसरे साइड भी जहाँ हमने सेंटर पर निशान लगाया है, तो दोनों कपड़े के सेंटर को मिलाते हुए हमें पिन से सेट कर लेना है और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है, दोनों साइड की सिलाई लग गई है। और यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी सी मैंने खुला छोड़ा है, इसे हम टर्न करके सिलाई करेंगे, इसलिए थोड़ी सी बारीक सी हमें सिलाई खुला छोड़ देना है। और इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और पिन लगा के सेट करते जाएंगे, इस तरह से मिलाते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। और इसके किनारे पर इस तरह से मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसे सिलना बहुत ही आसान है, तो सिलाई मशीन पे इस तरह से रख के मैं बता रही हूँ। इस तरह से मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे और कॉर्नर के पास इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए एक साइड से सिलाई हमारी लग के तैयार हो गई है। अब हम दूसरे साइड की सिलाई करेंगे। तो पहले हम इसी तरह से पिन लगा के सेट कर लेंगे। पिन लगा लेने से अच्छी तरह से सेट हो जाता है और सिलाई लगाना आसान हो जाता है। और इसके चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। और इसके कॉर्नर पे थोड़ी सी फैब्रिक है, उसे हम कट करके हटा देंगे। तो ये कट हो गई है और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। और कॉर्नर को निकालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे, सारे कोने को अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए सीधा हो गया है। और अब हम जिप के ऊपर से इस तरह से प्री स्टिच लगाएंगे, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और अंदर की तरफ को फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और फिर इस तरह से इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे ताकि अंदर का जो सिलाई वाला पोर्शन है वो ना दिखे और अच्छी तरह से पैक हो जाए और सिलाई पक्का हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम फैब्रिक को अंदर की तरफ को करेंगे और इसके ऊपर से प्री स्टिच लगा लेंगे। कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से घुमाते हुए देखिए सिलाई लग के तैयार हो गई है। और अब हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे, जो सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, इससे सिलाई पक्का हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। और इस तरह से अंदर की तरफ को जो सिलाई दिखता है वो हमारा सिलाई भी नहीं दिखता, पैक हो जाता है और ये काफ़ी मजबूत भी हो जाता है। तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है बिल्कुल फ्री में। इसे हमने एक पुरानी नाइटी से और चावल गेहूं की बोरी से बनाया है, जीरो कॉस्ट में बनके तैयार हो गया। आप इसमें सर्दियों के ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं, कंबल रख सकते हैं, या फिर अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या फिर बच्चों के खिलौने जो इधर उधर बिखरे होते हैं उसे भी हम एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए इसमें ढेर सारी साड़ियाँ आ गई हैं। आप इसमें कंबल भी रख सकते हैं, इसमें बड़े साइज़ का कंबल भी आसानी से रखा जाएगा। ये काफ़ी बड़े साइज़ का हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।